समाज के विकास में संचार व्यवस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों वाले भारत जैसे देश में, जहां बहुत सारे पहाड़ी इलाके और दुर्गम क्षेत्र है, वहां सैटेलाइट द्वारा प्रभावी संचार व्यवस्था उपलब्ध करवाना अत्यंत आवश्यक है। करीब 3 से अधिक दशकों से इसरो ने संचार उपग्रहों की एक श्रृंखला को प्रक्षेपित कर उसे सुचारू रूप से बनाए रखा है, जो कि पूरे देश में विभिन्न प्रकार की संचार सेवाएं प्रदान करती है। GSAT-31 एक संचार उपग्रह है जो वर्तमान में INSAT-4CR एवं INSAT-4A उपग्रहों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को आगे चलाएगा। GSAT-31 spacecraft is a high power communication satellite with payloads in KU band with an effective isotropic radiated power of 51.5 dBW. This spacecraft is a versatile one with unique configuration of providing flexible frequency segment and flexible coverage. इस उपग्रह को इसरो द्वारा विकसित I2K बस पर बनाया गया है और प्रक्षेपण के समय इसका वजन करीब 2600 किलोग्राम रहेगा। इसके पावर सिस्टम में फैलाए जा सकने वाले 3 सोलर पैनल हैं। प्रत्येक में 2 135 एम्पीयर आर की लिथियम आयन बैटरी है, जो ग्रहण के समय उपग्रह को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होगी। सैटेलाइट में 2 बड़ी ईंधन की टंकियां हैं, जिन्हें उपग्रह के बीचों बीच रहने वाले सिलेंडर में समायोजित किया गया है। तरल अपोजी मोटर को एक अलग डेक में स्थापित किया गया है, जो सिलेंडर के निचले रिंग के साथ जुड़ी रहेगी। GSAT-31 सैटेलाइट विद 19 KU बैंड ट्रांसपोंडर्स विल जॉइन द फ्लीट ऑफ 18 ऑपरेशनल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड फर्दर बूस्ट द कंट्रीज इन ऑर्बिट कम्युनिकेशन असेट्स। द सैटेलाइट इज डिजाइन टू ऑपरेट इन KU बैंड एंड विल एक्सपैंड VSAT services and other broadcasting requirements. इस पेलोड में धरती से ही कमांड देकर उपग्रह की फिक्स सैटेलाइट सर्विसेज यानी कि नियत उपग्रह सेवाओं के विन्यास को भी बदला जा सकता है। धरती पर नजर रखने के लिए उपग्रह द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले 2 KU बैंड बीकन डाउनलिंक सिग्नल्स को भी KU बैंड ट्रांसपोंडर सिग्नल्स के साथ ट्रांसमिट किया जाएगा। Lots of flexibility has been incorporated in the payload in terms of frequency, coverage, and orbital locations. Additionally, a part of the KU band spectrum will be used for the first time in Indian satellites. All the subsystems of the payload are having good flight heritage. इसरो का हमेशा यह प्रयास रहा है कि वह अपने निरंतर अनुसंधान एवं विकास कार्यों द्वारा अपने उपग्रहों की डिजाइन में सुधार करके उनकी परफॉर्मेंस को अधिक बेहतर बना सके। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बेहतर कवरेज और संचालन के लिए GSAT-31 में इसरो द्वारा डिजाइन किया हुआ 2.2x2 मीटर का डिप्लॉयबल सिंगल शेल ग्रेगोरियन रिफ्लेक्टर लगाया गया है। दिस स्पेसक्राफ्ट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन सर्विसेज in Indian mainland and island areas such as (1) connectivity to very small aperture terminals for ATM, stock exchange and e-governance applications. (2) telecommunication applications for bulk data transfer for a host of emerging applications. (3) emergency communications for disaster management support. It can also be placed at an alternate orbital slot and is capable of providing DTH applications. GSAT-31 का निर्माण इस तरह किया गया है कि वह 15 से अधिक वर्षों तक अपनी संचार सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान करेगा, जिससे इसरो के संचार उपग्रहों के समूह को मजबूती मिलेगी और देश में विश्वसनीय संचार सेवाएं सुनिश्चित रहेंगी। उपग्रह अब अपनी अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार है और उसे एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा फ्रेंच गियाना के कुरु स्थित यूरोपियन स्पेस पोर्ट से प्रक्षेपित किया जाएगा।